Hey guys, this is Adit Kundra from Adit's Guitar Lessons. आज जो हम लेसन सीखने वाले हैं ये बेसिकली टेक्निक है जो कि मेरे को बहुत पसंद है. इसमें सिमिलर टू अ लॉट ऑफ थिंग्स आई थिंक कि अगर आप बेसिक से स्टार्ट करें तो ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपका फाउंडेशन स्ट्रांग नहीं है हो सकता है कि आप गलत तरीके से आप फिंगर पिकिंग कर रहे होंगे, तो उसको फिर अनलर्न करके सही तरीके से रीलर्न करना बहुत मुश्किल होता है. विच इज़ व्हाई आई थिंक कि अगर आप शुरुआत से ही सही प्रैक्टिसेस करेंगे तो आपका आपके स्किल्स एज अ फिंगर पिकिंग गिटारिस्ट विल बी अलॉट बेटर. तो ये जो लेसन होगा इसमें मैं आपको एक बहुत ही बेसिक पैटर्न बताऊंगा, साथ में काफ़ी सारी एक्सरसाइज बताऊंगा जिससे कि हमारा राइट हैंड जो है, जो बेसिकली हमारा फिंगर पिकिंग का मेन टूल है, उसको किस तरह से हम स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं. जो फिंगर पिकिंग टेक्निक है वो आपने बेसिकली क्लासिकल एंड स्पेनिश स्टाइल ऑफ प्लेइंग में देखी होगी. मेरे हिसाब से आई थिंक इसका ओरिजिन भी शायद इन्हीं स्टाइल से ही हुआ था. तो जो टर्मिनोलॉजी होती है इसमें, हम एक राइट हैंड के लिए एक टर्मिनोलॉजी यूज़ करते हैं जिसमें हम हर फिंगर के लिए एक सेपरेट अल्फाबेट होता है. तो थंब होता है पी, इंडेक्स फिंगर होती है आई, मिडिल फिंगर होती है एम, रिंग फिंगर होती है ए एंड लिटिल फिंगर होती है ई. सो ये टर्मिनोलॉजी आई थिंक स्पेनिश है, जिसमें पी का मतलब होता है पालगर, आई का मतलब होता है इंडिस, एम का मतलब होता है मीडियो, ए का मतलब होता है एनुला, और ये जो लिटिल फिंगर वाला ई होता है ये होता है मिग्नोलो. आई थिंक दीज आर स्पेनिश टर्म्स, आई एम नॉट वेरी श्योर, बट एटलीस्ट नाम तो इनके ही होते हैं, प्रोनाउंसिएशन हो सकता है कुछ अलग हुए. अब इसमें क्या है कि जनरली हम सिर्फ पी आई एम ए ही यूज़ करते हैं. इनफैक्ट अगर आप ऑनलाइन भी सर्च करें तो आपको पी आई एम ए ज़्यादा दिखेगा, ई नहीं बात होती, बिकॉज ई जो होता है ये लिटिल फिंगर की जो फिंगर पिकिंग होती है ये बहुत रेयरली यूज़ होती है, लेकिन यूज़ होती है. सो अ लॉट ऑफ पीपल डू दिस एज वेल. तो ये फोर फिंगर से इन फोर फिंगर से भी पिकिंग करते हैं, लेकिन जनरली जो होता है जनरली हम थंब और ये तीन फिंगर से फिंगर पिकिंग करेंगे. और ये जो लिटिल फिंगर होती है इसको जो बिगिनर्स टू इंटरमीडिएट लेवल होते हैं ये दे यूज़ इट एज एन एंकर. तो ये अपनी जो हाई ई स्ट्रिंग, जो फर्स्ट स्ट्रिंग है ये ब्रिज के पास, यहाँ पे इसको एज एन एंकर यूज़ करते हैं, बिकॉज ये आपके फिर रिस्ट को सपोर्ट करता है. अगर आप क्लासिकल प्लेयर्स देखेंगे वो जनरली ऐसे करके प्ले करते हैं, दे डोंट रियली यूज़ द लिटिल फिंगर एज अ ब्रिज रेस्ट करने के लिए. लेकिन मैं यूज़ करता हूँ, मैं डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ प्लेइंग राइट फ्रॉम बिगिनर टू इन एक्सपर्ट लेवल अगर मैं प्ले करूँ तब भी मेरी ये फिंगर ऐसे ही रहती है. तो इट्स आई वोंट रियली से इट्स अ बैड प्रैक्टिस, आपकी मर्जी है. अगर आप इसे रखना चाहते हैं आप रखिए, अगर आप इसके बिना ही कंफर्टेबल हैं तो वाई नॉट. सिमिलरली ये जो पी आई एम ए का जो कॉन्सेप्ट है इसमें हर फिंगर के लिए एक पर्टिकुलर स्ट्रिंग अटैच्ड है, सो टू स्पीक, कि आपने इस स्ट्रिंग को इस फिंगर से बजाना है. लेकिन ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे अगर आप कुछ प्ले कर रहे हैं आपको कोई ये नहीं बोलेगा अरे तूने ये जो पैटर्न बजाया है इसमें तूने ये गलत फिंगर यूज़ किया. डजंट रियली मैटर, इफ़ इट साउंड्स गुड इट्स राइट. ठीक है, तो आपकी मर्जी है, आप उसे चेंज भी कर सकते हैं. मैं काफ़ी बार होता है कि मैं ये रूल को फॉलो नहीं करता, लेकिन अगर हम रूल को फॉलो करें, रूल ये होता है कि जो अपना थंब होता है ये हम टॉप की थ्री बेस स्ट्रिंग्स हैं इसके लिए यूज़ करते हैं, और अपनी इंडेक्स फिंगर जो है वो थर्ड स्ट्रिंग के लिए, मिडिल फिंगर सेकेंड स्ट्रिंग के लिए, और रिंग फिंगर फर्स्ट स्ट्रिंग के लिए. ठीक है, ये रूल है, लेकिन इसको आप ब्रेक भी कर सकते हैं जैसा कि मैं भी करता हूँ. तीन एक्सरसाइजेस मैं आपको देने वाला हूँ इस क्लास में, प्लस हम एक पैटर्न करेंगे. तो पहली एक्सरसाइज जो है, तो लिटिल फिंगर है इसको फर्स्ट स्ट्रिंग के नीचे ब्रिज के सामने रखिए एज सपोर्ट. कोई पर्टिकुलर स्पॉट नहीं है, आप इसे यहाँ पे भी रख सकते हैं, आप इसे यहाँ पे भी रख सकते हैं. दी ओनली डिफरेंस इज कि अगर आप यहाँ पे रखेंगे तो ऑब्वियसली आप यहाँ पे प्ले करेंगे, अगर यहाँ रखेंगे तो आप यहाँ पे प्ले कर पाएंगे. और इन दोनों स्पॉट्स में अगर मैं डिफरेंसेस बोलूँ तो यहाँ पे आपको साउंड थोड़ी वार्म मिलेगी, यहाँ पे आपको साउंड थोड़ी शार्प मिलेगी, जैसा कि आप सुन भी सकते हैं. ठीक है, मैं इसे प्रेफर करता हूँ थोड़ा ब्रिज की तरफ रखना, बिकॉज नॉट बिकॉज ऑफ द साउंड बट बिकॉज यहाँ पे स्ट्रिंग्स थोड़ी सी टाइट होती हैं, यहाँ पे स्ट्रिंग्स थोड़ी लूज होती हैं, तो आपको फिंगर पिकिंग में थोड़ा सा आसानी रहेगी अगर आपकी स्ट्रिंग्स थोड़ी सी टाइट हो. अगर लूज होएगा तो आपकी आप स्किप कर सकते हैं थोड़ी बहुत नोट्स. सो इट्स रिकमेंडेड कि आप थोड़ा सा पीछे की तरफ ही रखिए, लेकिन कोई पर्टिकुलर स्पॉट नहीं है. ठीक है, सो हमने अपना इंडेक्स लिटिल फिंगर को यहाँ पे रखा, एंड एक्सरसाइज नंबर वन, एक स्वीप करिए विद योर थंब.
मैंने आपको स्वीप तो कह दिया, लेकिन स्वीप का मतलब ये भी नहीं है कि आप बस ऐसे कर दीजिए। मैं चाहता हूँ कि आप इंडिविजुअल स्ट्रिंग्स को प्ले करें। यू शुड बी एबल टू मेक आउट कि आपने 6 नोट्स बजाए हैं, ठीक है, टन 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 करके। ये नहीं, इट शुड नॉट बी अ झन, ये नहीं करना, ताकि यू कैन क्लियरली मेक आउट कि 6 अलग अलग नोट्स हैं जो हम अपने थंब से प्ले कर रहे हैं। एम जो है, एम ये है कि ऑफ कोर्स साउंड अच्छा होना चाहिए, लेकिन आपको यू शुड बी एबल टू मेक आउट कि आप कंट्रोल से बजा रहे हैं। कंट्रोल इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है, इसको प्ले करते रहिए, डिफरेंट डिफरेंट टेम्पोज में प्ले करिए। अगर आपको ईजी लग रहा है, मैंने जनरली जो देखा है कि जो मेरे स्टूडेंट्स होते हैं उनको तेज करना ज्यादा ईजी लगता है। दिस इज वन ऑफ द वेरी फ्यू एक्सरसाइजेज जिसमें तेज करना ईजी है, स्लो करना थोड़ा मुश्किल है, बट दैट्स बिकॉज दिस इज अ लॉट ईजियर देन सोच कैसे करना। तो आपकी मर्जी है, दोनों स्पीड में आपको ट्राई करना है। दोनों स्पीड बोले तो आप फास्ट भी करें और स्लो भी करें। इसको खुद प्रैक्टिस करते रहिए। वंस यू थिंक यू आर कंफर्टेबल विद दिस, ठीक है, आगे तभी बढ़िएगा अगर आप इस चीज से कंफर्टेबल हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है, नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम आई एम और ए, ये तीन फिंगर्स को यूज करेंगे, ठीक है। इसमें हम थंब को यूज नहीं करेंगे, हमारी जो लिटिल फिंगर है ये वंस अगेन उसी स्पॉट में है जो आपको कंफर्टेबल स्पॉट लग रहा है। अब इसमें क्या करना है, इसमें हम फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड स्ट्रिंग्स को ही यूज करेंगे, जैसा कि मैंने पहले कहा था, एज पर द रूल विच You can choose to ignore later. अभी मत करो ignore. आपका जो index finger है और I, it needs to be on the third string. Middle finger needs to be on the second string. And your ring finger needs to be on the first string. ठीक है, तो आप इसको ऐसे claw सा बना के रखिए और इसको तीनों को, तीनों strings को पकड़ के रख लीजिए, ठीक है। Little finger अपनी rest करते हुए, ठीक है, ये ऐसे कर लिया। अब आपको प्ले क्या करना है, आपको ये तीनों strings प्ले करनी है, लेकिन अलग अलग obviously, ठीक है। और पैटर्न क्या होएगा, थर्ड स्ट्रिंग सेकंड स्ट्रिंग वन फर्स्ट स्ट्रिंग सेकंड स्ट्रिंग 3 2 1 2 3 2 1 2। सो इट विल बी, इसको बिल्कुल स्लो, इसमें आप तेज से स्टार्ट नहीं कर सकते, इसमें यू हैव टू स्टार्ट वेरी स्लो। सो गो वेरी स्लो, मेरे साथ बजाइए। एक चीज और आप नोटिस करेंगे कि मैंने अपने थंब को अपनी सिक्स स्ट्रिंग पे रेस्ट के लिए रखा हुआ है, सपोर्ट के लिए रखा हुआ है, विच इज अगेन समथिंग विच आई रेकमेंड टू ऑल द बिगिनर्स, कि अपने थंब को इधर रख लीजिए, क्योंकि एक तरह से हमारा हाथ जो है एक फिक्स्ड है, थंब ने यहाँ पे सपोर्ट दिया हुआ है, लिटिल फिंगर ने यहाँ पे सपोर्ट दिया हुआ है, एंड हमारी जो फिंगर्स हैं बीच में हिलेंगी नहीं, ठीक है। तो हमने स्टार्ट करा विद द थर्ड स्ट्रिंग, और थर्ड स्ट्रिंग को हमने बजाया अपनी इंडेक्स फिंगर्स, सेकेंड स्ट्रिंग इंडेक्स फर्स्ट स्ट्रिंग विद द थर्ड फिंगर। Gradually अपनी स्पीड इंक्रीज करिए, टेम्पो इंक्रीज करिए। जनरली आई वुड रेकमेंड कि आप एक मेट्रोनोम यूज करें, मेट्रोनोम को स्टार्ट करो विथ समथिंग लाइक 42 to 50 BPM, और ग्रेजुअली बिल्ड करते रहिए, बिकॉज उससे आपको पता लगता रहेगा कि आप कितने स्पीड तक सही बजा रहे हैं, फिर यू कैन एक्चुअली मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्पीड। इंक्रीज करिए ग्रेजुअली स्पीड, ये थोड़ा ज्यादा स्पीड हो सकती है, इवेंचुअली स्पीड आपकी इंक्रीज हो जाएगी, बट लाइक आई सेड अर्लियर, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फिंगर पिकिंग में है कंट्रोल। सो कंट्रोल के साथ आपका आना चाहिए, ठीक है। सो इवेंचुअली यू हैव टू इंक्रीज योर स्पीड, लेकिन शुरुआत आप स्लो से करिए। हमारी एक्सरसाइज नंबर टू। अब हम थर्ड एक्सरसाइज पे आते हैं। थर्ड एक्सरसाइज जो है, इट्स एक्चुअली अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। तो इसमें हम अपना थंब भी यूज करेंगे और हम अपना आई एम ए भी यूज करेंगे। अब ये जो है, इसमें आपको क्या करना है, वंस अगेन अपना लिटिल फिंगर को हमने रखा सपोर्ट के लिए, आप स्टार्ट करिए टॉप स्ट्रिंग के साथ जिसको आप प्ले करेंगे अपने थंब से,
fifth string with the thumb again, fourth string also with the thumb, fifth, I, M, A. Right? So let's repeat this. Gradually speed up the increase karte rahiye. To ye to ho gayi hamari teen exercises. Now meri recommendation ye rahegi in teen ko khub achhi tarah practice kariye, theek hai, and don't try to skip things. Ye mat sochiye ki chalo isko ignore karke seedhe hum aage agle pattern mein chalte hain. Nahi, exercises kariye, foundation strong rahega to believe me this is going to help you a lot more. Ab jo main aapko pattern batane wala hu, इट्स अ वेरी बेसिक पैटर्न, और इस पैटर्न में हमने जो मैंने जो आपको रूल बताया था कि हम थंब को सिर्फ या पी को हम सिर्फ टॉप की थ्री स्ट्रिंग से यूज़ करते हैं, इसको हम थोड़ा सा ब्रेक कर देंगे. एंड इट्स अ वेरी सिंपल पैटर्न, लेकिन ये पैटर्न जो है ये आप कोई भी सॉन्ग में यूज़ कर सकते हैं, कोई भी सॉन्ग में, प्रोवाइडेड यू अंडरस्टैंड की टाइमिंग क्या है. जनरली टाइमिंग अगर आप देखेंगे, सबसे ज़्यादा कॉमन टाइमिंग होती है वो 4/4 ही होती है. तो अगर आपको ये टाइमिंग्स वगैरह, टाइम सिग्नेचर्स की थोड़ी अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तो इस पे मैं एक लेसन अभी बहुत जल्दी करने वाला हूँ. आप कुछ भी पैटर्न ले लीजिए, सो अभी मैंने जो पैटर्न बजाया था ये बहुत ही सिंपल से प्रोग्रेशन पे है, ए माइनर, सी, डी और जी. देयर इज अ रीजन व्हाई आई चूज अ प्रोग्रेशन जिसमें डी है, वो मैं डी को मैंने क्यों इसमें इनकॉर्पोरेट करा है वो आपको मैं अभी थोड़ी देर में बताता हूँ. लेकिन ये जो पैटर्न आपको मैं सिखाने वाला हूँ, ये आप कोई भी कॉर्ड प्रोग्रेशन में यूज़ कर सकते हैं, जैसा कि मैंने पहले कहा. अब मैंने हर कॉर्ड पे 8 स्ट्रोक्स बजाए थे, और इन 8 में जो पहले 4 स्ट्रोक्स थे वो सारे के सारे मैं अपने थंब के साथ प्ले कर रहा हूँ इन अ डाउनवर्ड स्वीप. अब इसमें आपको एक्सरसाइज नंबर 1 याद हेल्प करेगी, जिसमें हमने पूरे 6 की 6 स्ट्रिंग्स को डाउनवर्ड स्वीप में थंब के साथ बजाया था. हमने स्टार्ट करा विद ए माइनर. अब याद रखिएगा कि फिंगर पिकिंग में इट्स ऑलवेज बेटर कि यू स्टार्ट ऑफ विद द बेस नोट. अगेन दिस इज नॉट, ऐसा नहीं है कि आपको हर चीज़ में ज़रूरी है ऐसे करना, लेकिन इट्स साउंड्स बेटर इफ़ यू लीड, इफ यू स्टार्ट ऑफ विद द बेस नोट. कभी कभी आप एक अफेक्ट के लिए बेस को ना भी प्ले करें, ट्रेबल से स्टार्ट करें, वो भी कर सकते हैं, बट दैट इज़ लाइक एन अफेक्ट. ठीक है, आप इम्बेलिशमेंट है एक तरह की, कि आप एक डिफ्रेंशिएटिंग फैक्टर लाने के लिए आप बेस से स्टार्ट ना करके इंडिक ट्रेबल नोट से स्टार्ट करें. लेकिन जनरली 90% ऑफ टाइम्स फिंगर पिकिंग में आप हमेशा यू लीड विद द बेस नोट. तो आपने क्या करना है, अगर आपने ए माइनर पकड़ी तो ए माइनर का बेस नोट क्या होएगा, ए. सो हमारी ए में ए माइनर ये कॉर्ड है, तो हमारा बेस नोट फिफ्थ स्ट्रिंग ओपन है. ठीक है, अब आपको दिमाग नहीं लगाना, आपको सिंपल फिफ्थ, फोर्थ, थर्ड, आपको 4 नोट्स बजाने हैं विद द थंब इन अ डाउनवर्ड्स स्वीप, राइट. सो आपको 5वें से स्टार्ट करना है, तो ऑब्वियसली आप 5, 4, 3, 2 हो जाएंगे, फिफ्थ, फोर्थ, थर्ड एंड सेकंड स्ट्रिंग, करेक्ट. अगर मान लीजिए आपको जी मेजर कॉर्ड बजानी होती, तो जी मेजर आप ऐसे पकड़ते हैं. अब जी मेजर का रूट नोट या बेस नोट क्या होगा, जी, विच इज गोइंग टू बी द थर्ड फ्रेट ऑफ द टॉप स्ट्रिंग, जो कि 6th स्ट्रिंग है. तो आपको डाउनवर्ड जो स्वीप है वो 6th स्ट्रिंग से करना है. आपको बजाने कितने हैं, 4 नोट्स, आप कौन सी स्ट्रिंग बजाएंगे, 6, 5, 4 और 3. As simple as that. So, अगर आपकी जो कॉर्ड है वो 6th स्ट्रिंग पे उसका बेस नोट लाई करता है, तो आपने स्वीप करके 4 स्ट्रिंग्स बजानी है, 6, 5, 4, 3. ओके, तो हमने पहले 4 तो सीख लिए, पहले 4 हमारे डाउनवर्ड स्ट्रोक है विद द थंब. अब जो आखिरी के 4 है, आखिरी 4 में भी आपको एक सिंपल चीज करनी है. 5, 6, 7, 8, 5 विल ऑलवेज बी द फर्स्ट स्ट्रिंग, 6 विल ऑलवेज बी द सेकंड स्ट्रिंग, 7 विल ऑलवेज बी द थर्ड स्ट्रिंग. तो मतलब अगर हम ए माइनर की बात करते हैं, तो ए माइनर हमने बजाया, 1, 2, 3, 4 नोट्स थे, ठीक है. 5, 6, 7 जो है, 5, 6, 7 विल ऑलवेज बी 5, 6, 7. अगेन ऑलवेज का मतलब है इस पैटर्न में. अब क्वेश्चन है, जो 8th है, 8th को हम कैसे बजाएं. अगेन हमने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड बजाई थी,
अब नेक्स्ट स्ट्रिंग कौन सी है? हमारी फोर्थ स्ट्रिंग. अब फोर्थ स्ट्रिंग को या तो आप अपने थंब से प्ले कर सकते हैं, जो कि ऐसे हो जाएगा, या दूसरा तरीका है कि आप अपने इंडेक्स फिंगर को ही एक और स्वीप करके रिपीट कर दीजिए. तो आपकी मर्जी है, आप दोनों में से कुछ भी दोनों को ट्राई करिए. बी कंफर्टेबल विद बोथ. द एडवांटेज ऑफ यूजिंग द फर्स्ट फिंगर इन अ स्वीपिंग मोशन, कि फर्स्ट फिंगर को या दो स्ट्रिंग्स एक साथ बजाने का फायदा ये होता है कि आपका जो थंब होता है, थंब इज रेडी. तो अगर आपको जो नेक्स्ट कॉर्ड बजानी होगी, नेक्स्ट कॉर्ड आप ऑब्वियसली थंब से स्टार्ट करें, राइट? सो अगर आपका थंब इधर यूज हो रहा है ये बजाने में, तो इमीडिएटली आपको नेक्स्ट कॉर्ड पे फिर से थंब को ऊपर जल्दी लाना पड़ेगा, तो वो थोड़ा सा मुश्किल लग सकता है. तो इट्स बेटर कि आप अपनी इंडेक्स फिंगर को ही दो बार यूज करें, ताकि आपका थंब रेडी है फॉर द नेक्स्ट कॉर्ड के डाउनवर्ड स्ट्रोक के लिए, ठीक है? अब अगर आपको याद है, मैंने आपको बोला था कि जो डी मेजर है उसको मैंने इंटेंशनली इस प्रोग्रेशन में डाला है. अब वो डी मेजर मैंने क्यों डाला है, आपको समझाता हूँ. हमने देखा कि कोई भी कॉर्ड होगी, अगर उसका बेस नोट, रूट नोट सिक्स स्ट्रिंग पे है, तो पहले चार नोट्स होंगे, पहली चार स्ट्रिंग्स होंगी 6 4 5 6 5 4 3, ठीक है? अगर वो कॉर्ड कोई बी है या सी है, जिसमें बेस नोट हमारा फिफ्थ स्ट्रिंग में होता है, तो पहले चार नोट्स होंगे वो होंगे फिफ्थ फोर्थ थर्ड एंड सेकंड स्ट्रिंग पे. अब डी मेजर जो कॉर्ड होती है, डी मेजर का बेस नोट होता है फोर्थ स्ट्रिंग ओपन. तो मतलब अगर आप डी मेजर बजा रहे हैं, तो आपको बेसिकली कौन सी स्ट्रिंग्स बजानी है पहले चार स्ट्रोक के लिए? 4 3 2 1. अब इसमें आपको थोड़ा सा मुश्किल लग सकता है, क्योंकि अगर आप बजाएंगे 4 3 2 1 एंड देन 5 6 7 8 जो नोट्स हैं, आपको फिफ्थ नोट जो है वो, उसको मैंने बोला था कि फर्स्ट स्ट्रिंग से स्टार्ट करना है. तो नेट नेट आपने बजाया समथिंग लाइक दैट. तो ये एक तो सुनने में नहीं अच्छा लगता, बिकॉज आप एक स्ट्रिंग को दो बारी बजा रहे हैं, राइट? दैट्स वन. सेकेंडली, आप क्योंकि एक ही फिंगर से दो बारी एक ही नोट को बजा रहे हैं, सो देर इज अ टिंग टिंग, तो वो सस्टेन वाला इफेक्ट नहीं है. फिंगर पिकिंग में वन थिंग विच ऑलवेज वर्क्स इज व्हेन द जो नोट है वो सस्टेन होता रहता है, आप प्ले करने के बाद भी साउंड रहती है. अगर आप बजाएंगे तो टिंग टिंग होएगा, तो सेकेंड नोट सस्टेन हो रहा है लेकिन पहला नोट टिंग टिंग हो रहा है. तो डी मेजर कॉर्ड में मैं जो प्रोग्रेशन है उसको स्लाइटली चेंज कर देता हूँ, ठीक है? एंड दैट इज व्हाट आई वुड वांट यू टू डू एज वेल. तो अगर आप कोई भी कॉर्ड बजाएं जो सिक्स्थ एंड फिफ्थ स्ट्रिंग पे जिसका बेस नोट लाइक करता है, तो उसमें ये पैटर्न सही रहेगा. लेकिन डी में मैं चाहता हूँ कि आप एक थोड़ा सा डिफरेंट पैटर्न बजाइए, और वो क्या है, इंस्टेड ऑफ प्लेइंग 1 2 3 4 आप बजाइए 1 2 3, सिर्फ 1 2 3. एंड देन आप 5 6 7 वाला पैटर्न था उसको 4 से स्टार्ट कर दीजिए, तो 4 5 6. सो बेसिकली मैंने बजाया 1 2 3 4 5 6. मैं स्ट्रिंग्स बोलू तो होंगी 4 3 2 1 2 3 4 3. ये थोड़ा सा पैटर्न चेंज हो जाता है, बट इट ऑल्सो ब्रिंग्स अ नाइस फ्लेवर, बिकॉज आप एक ही पैटर्न बजाते जा रहे हैं और एकदम से एक नया पैटर्न बजाते हैं, इट साउंड्स नाइस. तो मैं व्हाट आई डू, मैं आपको पूरा प्रोग्रेशन एक बार पूरा बजाता हूँ, लेकिन मैं स्लोली बजाऊंगा ताकि आपको समझ में आ जाए. ए माइनर सी डी एंड जी, सेम पैटर्न हम यूज करेंगे फॉर ए माइनर सी एंड जी, लेकिन डी में हम ये वाला पैटर्न चेंज कर देंगे. सो इट बी लाइक दिस. पैटर्न जो है इट्स एन एक्सट्रीमली वर्सटाइल पैटर्न. आप इसको कोई भी प्रोग्रेशन में, कोई भी सॉन्ग में फिट करके देखिए, बिलीव मी इट विल साउंड वेरी नाइस, राइट? सो आई होप आपको लेसन अच्छा लगा हो. दिस वाज जस्ट अ वेरी बेसिक फिंगर पिकिंग लेसन.
मैं काफ़ी सारे और लेसन्स बनाने वाला हूँ जिसमें विच विल बी मोर बेंट टूवर्ड्स टेक्निक्स. तो या आई होप यू एंजॉय दैट लेसन, आई होप इट वॉज यूजफुल. दिस इज आदित्य कुंद्रा साइनिंग ऑफ. आई विल सी यू सून गाइस.